दूसरों के पीछे मत भागो। दोस्तों, कहानी कैसे युवक की है जो अपने अंदर की कमियों को नहीं देख के हमेशा दूसरों के अंदर कमियों को ढूंढता है और इसलिए वह परेशान रहता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि कभी भी दूसरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक स्वामी जी थे अपने आश्रम में, अपने छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आता है, उनके पैरों में झुक जाता है और कहने लगता है, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में कुछ लिखा भी है या नहीं। जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को स्वामी जी सुनते हैं और तुरंत समझ जाते हैं और वो कहते हैं, भाई, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूँ। इस बात पर युवक थोड़ा सा संकोच करता है, लेकिन फिर बिना कुछ प्रश्न किए वो कुत्ते को दौड़ाने आगे निकल जाता है। कुछ देर तक सैर कराने के पश्चात जब वो युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी तो तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा आसान था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों से आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब स्वामी जी ने कहा, अरे, प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम अपनी जिस चीज को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। उनका यह उत्तर सुनते ही युवक संतुष्ट हो गया और दिन को सुधारने में लग गया। दोस्तों, कहानी का पूरा सार यही कहता है कि हमें दूसरों की गलतियों में अपनी कमियों को खोजने की जगह हमें खुद के अंदर अपनी कमियों को खोजना चाहिए और उसको धीरे धीरे सुधारना चाहिए। अगर हम अपनी कमियों को धीरे धीरे सुधारेंगे तो हम जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।